आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, आप देख रहे हो मैं रेडी हूँ। मैं आसिफ के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ एंड मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ लेके जा रहा है बंदा। बस उसने बोला कि रेडी हो जा, हमें बाहर जाना है लंच के लिए। मैंने बोला चलो ठीक है। एंड शायद कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। You got a power bank? Hello. Power bank? Yeah. No bro. Hello. हाँ. है घर पे दो दो है, आपको पहले बोलना चाहिए था ना। कहीं जाना है? मैंने आशु को पावर बैंक पर गिफ्ट किया था। मेरे को समझ नहीं आता ना क्या गिफ्ट करना चाहिए था, इसलिए मैंने पावर बैंक ही दिया था। हाँ आशु आपको याद है? उसका मुझे कभी यूज ही नहीं हुआ। नहीं आपने बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। गिफ्ट तो अच्छा था बट यूज नहीं हुआ मेरे। वो यूज करो या ना करो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दे दिया बस इतना ही। अभी आप लोगों को सुनाने के लिए आशु एक गाना गाएंगे, वो भी मेरे लिए। आशु गाओ ना प्लीज। धरती फटी फटी। फिर से अपने घर वाले गली में आ गए। आशु जा रहे हैं, आशु मास्क लेते हैं ना प्लीज घर से। मेरा मास्क घर पे छूट गया और मैं चली आई। अभी एक फ्रेंड आए आंसू के बाइक से, तो उनकी बाइक लगेगी घर में, मतलब घर के बाहर, एंड हम सारे लोग गाड़ी में जाएंगे। इसके वजह से आंसू घर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मास्क भी मंगवाई लेती हूँ उनसे। मैंने बोला है देखो आप लेके आते हैं कि नहीं। आंसू मेरा नहीं सुनते हैं अभी। क्या जॉन जी को एक चार्जर चाहिए, वो आंसू को फोन कर रहे हैं ताकि वो सैमसंग का चार्जर का केबल लेते आना भाई प्लीज। और मास्क भी मेरा नॉट टाइप सी। सैमसंग वाला चार्जर कौन सा होता है? टाइप ए। सैमसंग वाला चार्जर कौन सा होता है? अरे मेरे को व्हाइट कलर का है पूजा का। हां लेते आना ना। ठीक है मास्क भी और मास्क भी प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू। तो मैं ही भी बोलते तो लेके आता वो, क्योंकि बीबी का भक्त है गुलाम। क्या शादी ओशा क्या है क्या सुख है? ओ ये ना जैक लगाने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी लेके आता। क्यों? क्योंकि वो भक्त है। किसका? बीबी का। बीबी का गुलाम है वो। मैं जोरू कर नहीं है रहूंगा। अरे शाम सवेरे तेरा उसके लिए पहले आपको शादी करनी पड़ेगी जॉन जी। तो उससे बात कीजिए आप, वो क्या तैयार है कि नहीं। किससे किससे किससे? नहीं नहीं ये सब नहीं, जॉन की वो गर्लफ्रेंड से। अच्छा ठीक है। वो टाइम मांग रही है अभी ज्यादा। Yo bro, thank you. एक और फ्रेंड आ गया है, ये देखिए। Oh my God, इनसे मिलिए। इनसे मिलिए, मिलाओ आंसू अपने फ्रेंड से। ये है नीतीश और ऊपर से सरकार। ये है नीतीश सरकार। सरकार सरकार बनेगा अपना अपना। आसु अब बताओ आप कि हम कहाँ जा रहे हैं, जगह का नाम बताओ। हम लोग जा रहे हैं दनियावा। ये कहाँ है? ये है बिहार में। वो तो मुझे पता है कि बिहार में ही होगा, लेकिन है कहाँ? पटना डिस्ट्रिक्ट में। बताओ ना कहाँ है? पटना से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर। 40 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा ओके। फेमस है वहाँ के फिश के लिए। बहुत ज्यादा लगती है, मतलब अभी सर घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी टाइप का होगा। आसु कितने टाइम में पहुंच जाएंगे ये तो बताओ। अभी तो निकले अभी डेढ़ दो घंटा। आसु क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? फिश बहुत नहीं होता, बहुत पॉपुलर। क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि आप ऑफिस से काम कर रहे हो आप यहाँ पे। फिश मिलता है तो वर्क फ्रॉम व्हीकल, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हाँ तो बोलना था ना कि मेरे को काम है। सैटरडे संडे चल लेते ना सारे। अरे यार तो साला यहाँ मछली खाने आए हैं यार। पहले बहुत पहला मैंने दनियावा घुसने से पहले मार्केट में रेलवे स्टेशन बाजार हॉल्ट है दो गो लगातार है, एगो नीचे एगो ऊपर है। नीचे वाला में जाइए आप। नीचे वाला में? हाँ प्रेमे लग रहा है उस दिन इसी में। अच्छा ठीक है ठीक है। मछली स्पेशलिस्ट गाड़ियों सही जगह पर लग गया। ओके फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एंड गाड़ी से निकल गए। अभी होटल में चलते हैं एंड मैं वहां से दिखाती हूँ कि कैसा होटल है। बहुत टाइम ले लिए।
ये है होटल प्रेम सागर मछली स्पेशलिस्ट फास्टम। सही है, चलिए चलिए बढ़िया। ओ जॉन जी आप पीछे छूट गए, चलिए। वाह वैरायटी। हाँ यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की मछलियाँ बन रही हैं, ये देखो आप। ऐसा लग रहा है ये सिर्फ मछली ही मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ मछली बनता है ना? ओ गॉड, ये तो बहुत टाइप्स की मछली है। अच्छा इधर भी मछली बनता है, आ रही आ रही। मछली है वो चिकन है। अच्छा चिकन है, चले। अच्छा हमें ऊपर जाना है। वाह ये तो बहुत मतलब पुराना वो लग रहा है, उस टाइप का है, काफी दिन का है ना? आप पहले आ चुके हैं यहाँ पे? ओके आसू जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो उसके पहले सही है क्या क्या मिलेगा खाने में? मछली है, चिकन है, मटन रहता है, आज नहीं है, और चहा है। पंछी होता है, मुर्गा वाले हैं क्या? खाइए चिकन खाएगा तो फिर मछली के लिए आए ना हम लोग। मछली खाओगे? अरे प्रॉब्लम क्या है? ग्रेवी वाला की सूखा ग्रेवी है, ग्रेवी। अच्छा ठीक है, आपने कौन सा ऑर्डर किया? प्रॉन फ्राइड प्रॉन। वाओ आ गया, ये देखो मिनाल भाई के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। दिखने में तो बहुत ही अम्मी लग रहा है, मैं चल रही हूँ ट्राई करने। ये रहा प्रॉन, ये बड़ी वाली मछली, ये कौन सी मछली है बड़ी वाली? बहुत टेस्टी है, यम्मी। बहुत अच्छा था, इसकी वजह से फिर सेकंड प्लेट ऑर्डर हुआ है। फर्स्ट सेट हो गई, ये देखो आप, सबसे ज्यादा इस इंसान ने खाया, इस इंसान ने मैं खाने ही के लिए। सेकंड प्लेट आ गया हमारा, सेकंड प्लेट ये देखो आप। मृणाल भाई कितना खाते हैं, चार प्लेट साफ कर दे इन्होंने, ये देखो आप अकेले खाए ये। कितना प्लेट? दस। ओके भैया जी देख लेना, यहाँ से जाने के बाद गाली जाता चाहिए स्माइल हो बाबू जी मारेंगे, बोलेंगे बेटा जी स्माइल। आ गया, आ गया हमारा पांचवा और छठा प्लेट आ गया, ये रहा पांचवा और छठा प्लेट। ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पे, किसको क्या खाना है? चावल चिकन जॉन जी, ये बड़ी वाली मछली खाएंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, छोटा वाला खाऊंगी। ये देखिए चावल और मछली आ गया, छोटी वाली मछली है चावल, उनकी भी छोटी वाली मछली और चावल। हम और मीनार भाई सेम खाने वाले हैं, बाकी लोग का नहीं आया है वो तेरे की। बाकी लोग की भी थाली आ गई, इसमें बड़ी मछली है ये देख सकते हो आप, और चावल आ गया फाइनली।
उसका बस ग्रेवी दे मछली वाला ग्रेवी। जॉन जी को मछली वाली ग्रेवी ज़्यादा पसंद आई है, इन्होंने ग्रेवी ऑर्डर की है। सब मछली ऑर्डर करते हैं। जॉन जी का ग्रेवी आ गया, खा रहे हैं चिकन, पर ग्रेवी चाहिए मछली वाला, उनको इतना पसंद आ गया कि ये देखो आप। हमारा खाना हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं अब नीचे। जॉन जी हाथ धो रहे हैं, ये देखिए, और इधर भी लोग खाते हैं। हाँ, अच्छा ढाबा था, बहुत अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया है। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे, फर्स्ट पे। जॉन जी, आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था। आपको कैसा लगा होटल? ओके, होटल दिखा देते हैं, नाम दिखा दो होटल। कैसा लगा ये तो बोलो आप। एक नंबर, नाम दिखाइए। ये देखो यही चाचा बुलाए थे। होटल प्रेम सागर, बहुत अच्छा था खाना। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोल्ड ड्रिंक मिली कि नहीं? फाइनली खाना हमारा हो गया एंड हमने दबा दबा के खाया एंड आप देख ही सकते हो वीडियो में जाएगा तो कितना सारे प्लेट्स है, सब हमने खा ली थी। हाँ, एंड खाना सही में बहुत अच्छा था, मैं फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई खाने को देख के। एंड अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं लो शायद, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा हो गया है कि कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत है हमें। जबरदस्त भीड़ लगी है, एकदम जबरदस्त ट्रैफिक जाम। अभी देखते हैं हम लोग कैसे जाएंगे। एंड मीना देखो यहाँ पे गाड़ी के सामने खड़े हैं, टेंशन में। ये मिलिए मेधा से। मेधा, ये हमारे ग्रुप की ही है और ये इस बैंक में, हाँ, इसमें ये काम करती हैं। और ये आज पार्टी में नहीं आ पाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिजी थी, इसकी वजह से। ये आंसू कैश दे रहे हैं। और आप क्या करने उतर गए? लस्सी मांगने उतरा है। चलो हमने, चलो लस्सी पीने। चल दी मेधा रानी अपने बैंक में, ये यहाँ काम करती हैं। और मैडम ने लस्सी नहीं पिलाया हमें, ठीक बोला ना? जॉन जी को पता था कि लस्सी नहीं मिलेगा इसलिए गाड़ी से नहीं उतरे। जॉन जी इसलिए नहीं उतरे कि उनका लस्सी ना कट जाए, बोल दिया जाए कि पार्टी पहले ही जाना है। और आप क्या बोलेंगे, लस्सी हमें नहीं मिला उसके बारे में? मेरे को तो पहले से भी उम्मीद नहीं था क्योंकि हम सब कैवेंटर्स पीने जाते हैं ना। धोखा तो मेरे साथ हुआ है क्या, एक बार लस्सी पिला के आदत डलवा दिया गया है। फाइनली हम घर आ चुके हैं और हम निकले थे करीब 1 बजे। और ये देखो आप, शाम हो गई है हमें घर आते आते। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ एंड उसके बाद से मैं ये करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ। ये देख सकते हो आप कितने पसीने आ रहे हैं हमें। और वैसे सफ़र बहुत अच्छा रहा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिनों बाद आंसू के साथ बाहर गई थी। सो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें। एंड मैं यही बार बार बोलूँगी कि आप मुझे भर भर के कमेंट करें। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।